जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। सावन मास में हम कुछ ऐसा उपाय ज़रूर करेंगे जिससे हमारे जीवन में अधूरा प्रेम पूरा हो जाए। भोलेनाथ और माँ गौरा से बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई जोड़ी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। शिव की शक्ति और शक्ति के शिव, एक पूरे जीवन में यही तो है जो हमें प्रेम की पूर्णता सिखाते हैं। जब जब हम बात करते हैं अपने जीवन में किसी अधूरेपन की, खास करके प्रेम की, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के अंदर भोलेनाथ की कृपा ज़रूर होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसा उनका है, और इसीलिए हम सावन में ये कार्य ज़रूर करेंगे जिससे हमारे जीवन में अधूरा प्रेम पूरा हो जाए। प्रेम के दो सबसे बड़े राक्षस होते हैं, एक ईगो और दूसरा क्रोध। ये दो चीज़ें जब प्रेम के आड़े आ जाती हैं ना, तो वो प्रेम को खा जाती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम टिक नहीं पाता। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर प्रेम को पूरे जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते, और इसी वजह से एक अधूरापन, एक मायूसी, एक उदासी उनके जीवन में बनी रह जाती है। पति पत्नी के जीवन में अगर ये चीज़ आ जाए तो उनका घर खत्म हो जाता है। अगर कोई शादी से पूर्व किसी को अपने पति या पत्नी के रूप में देख चुका हो और उसको फिर प्रेम में पूर्णता ना मिले, तो उसके जीवन में हमेशा के लिए एक उदासीनता आ जाती है। आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो, आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज़ आपकी कभी अपूर्ण ना रहे, इसके लिए हम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको सावन में करने वाले एक अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग करना सिखा रही हूँ जिसको करने मात्र से कोसों दूर, लाखों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी आपसे प्यार ज़रूर करने लगेगा। आपके लिए उसका जुड़ाव वापस हो जाएगा। वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो गया हो, वो आपके करीब ज़रूर आएगा। तो चलिए समझिए आपको क्या करना है। आपको पीपल का एक पत्ता ले लेना है। इसे आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। इसके ऊपर आपको लिखना है क्रीम, उस व्यक्ति का नाम, फिर क्रीम, और इस पीपल के पत्ते को आपको फोल्ड कर लेना है। इसे लाल धागे से बांध लेना है। इसके पश्चात आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा सिंदूर लेना है। कौन सा सिंदूर लेंगे? लाल वाला सिंदूर लीजिएगा। इसे आप गंगा जल से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब इसके पश्चात आप एक सफ़ेद रंग का पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर इस सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए, और जो आपने पत्ता रोल किया था ना, उसको आप इस पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसके ऊपर 17 दाने आपको तिल के डाल देने हैं। थोड़ा कठिनाई तो होगी गिनने में, लेकिन गिन लीजिएगा। और 21 दाने आपको काली उड़द के डाल देने हैं। ये सारा सामान आपको ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है, और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। व्यक्ति कहीं भी बैठा होगा, कितनी भी दूर होगा, आपसे ज़रूर बात करने के लिए तड़पेगा, ज़रूर आपके पास आने के लिए वो तड़प जाएगा। अगर आप सच में किसी से सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से ये कार्य करके देखिए, आपको 100 नहीं, 100% सफलता प्राप्त होगी ही होगी। मैं ऐसे ही कुछ अचूक उपाय लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा।
प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।